अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं दोस्तों? आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज हमारे जो सेटअप है इस पे दो मुर्गियों का इजाफा हो चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं वो दो मुर्गियाँ कौन सी हैं। हम गए थे अपनी मुर्गी के लिए मुर्गा लेने, लेकिन हमें मुर्गा तो मिला नहीं। मुर्गे तो थे लेकिन हमें समझ नहीं आया कोई अपने सेटअप के हिसाब से, इसलिए हम वहाँ गए तो वहाँ से हमें दो मुर्गियाँ मिल गई छोटी, वो हम लेकर आए हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारी दो मुर्गियाँ हैं जो हमारे सेटअप पे आई हैं। अभी इनमें इजाफा हो चुका है दो मुर्गियों में। यहाँ पे हम अपने सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए दो मुर्गियाँ लेकर आए हैं। अभी हमारी तीसरी मुर्गी हम आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ है। ये देखें, वो ये वाले पिंजरे में घुसी हुई है। ये हमारी वो पहली मुर्गी, इसको हम बाहर निकालते हैं अभी, फिर हम इसको आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बाहर आ गई है। ये हमारी पहली वाली मुर्गी है और ये हमारी न्यू मुर्गी है जो हमारे सेटअप पे अभी आई हैं। ये देखें, ये एक नर है एक मादा है। ये ब्लैक वाली जो डार्क ब्लैक है ये मादा है, और जो लाइट ब्राउन है ये नर है। देखें दोस्तों, आपने हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी है हमारी जो नई मुर्गियाँ हैं, और इसका हम क्या नाम रखें आप कमेंट्स में हमें लाइव में बताइएगा। ये दाना खा रही हैं, अभी हमने इनको दाना डाला है, बाजरा है, ये बाजरा खा रही हैं। दोस्तों ये जो हमारी नई वाली मुर्गी है ना, ये भी इसके नीचे घुस गई हैं। ये हमने सोलर की प्लेटें लगाई हुई हैं, ये इसके नीचे घुस गई हैं और डर रही हैं। ये जो हमारी पुरानी वाली मुर्गी है ना, इससे ये डर रही हैं। अभी मेरे भांजे और भांजी पकड़ना चाह रहे हैं इसको, बैठे हुए नई वाली मुर्गियों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आ रही, वो नीचे घुस के बैठ गई हैं। वो देखें, दोनों आराम फरमा रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ बैठी हुई हैं और ये आराम फरमा रही हैं, और नई वाली जो हमारी पुरानी वाली मुर्गी है वो यहाँ घूम रही है। ये इसको नई वाली मुर्गियों को पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं उनको गोर गोर से, लेकिन वो नीचे घुस गई हैं, वो हाथ में ही नहीं आ रही, वो यहाँ बैठी हुई है। ये देखें, ये बैठी हुई, वो वहाँ से मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरा भांजा देख रहा है, भांजी देख रही है कि ये बाहर आए तो हम इनको पकड़ें, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रही है। वो इतनी तेज़ हैं कि इधर उधर भागे जा रही हैं, कभी कहीं भाग रही हैं, कभी कहीं भाग रही हैं, ये पकड़ में आ ही नहीं रही हमारे। ये हमारी पुरानी वाली मुर्गी है, ये इनसे थोड़ा सा लड़ रही है अभी। अभी इसने जो है ना, हमने जैसे ही इसको ला के यहाँ छोड़ा बच्चों को इसने पुरानी वाली मुर्गी के पास, तो इसने जो है ना इन बच्चों को थोड़ा सा मारा तो ये डर गए। अब ये पुरानी वाली मुर्गी के पास जा नहीं रहे, वो इधर आती है तो ये भाग के कभी कहीं चले आते हैं, कभी कहीं चले आते हैं। इंशाल्लाह इनको दो तीन दिन लगेंगे सेट होने में, फिर ये दोबारा सेट हो जाएंगी, फिर ये एक साथ रहने लग जाएंगे। अभी तो ये नहीं है ना, इसलिए तो पुरानी वाली मुर्गी का रोप है, क्योंकि पुरानी वाली मुर्गी यहीं रहती है, उसका रोप है यहाँ पर, और ये नई वाले जो बच्चे हैं इनका रोप नहीं है अभी, तो अभी ये थोड़े से डरे हुए हैं। ये देखें, ये बैठे हुए, ये देखें दोस्तों, अभी हम आए हैं छत पे दोबारा। तो अभी हमने देखा कि हमारी जो पुरानी वाली मुर्गी है ये बिल्कुल इनके सामने खड़ी हुई है, और ये नए वाले जो बच्चे हैं ये बच्चे ही कहलाएंगे ये, क्योंकि फुल ये बड़े हैं नहीं अभी। ये मुश्किल से अभी जो है ना तकरीबन 5 से 6 महीने के बच्चे हैं ये। तो ये हमारी पुरानी वाली मुर्गी इनके पास खड़े होकर इनको देख रही है, और ये मज़े से यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये फ्रंट पर जो बैठा हुआ है लाइट ब्राउन, ये हमें नर लग रहा है, और जो पीछे बैठी हुई है ना डार्क ब्राउन जो बैठी हुई है, ये हमें मादा लग रही है। आप हमें कमेंट में बताइएगा ये हमें हम सही बोल रहे हैं या नहीं, कि हमें जो है ना ये नर लग रहा है, वो पीछे वाली जो बैठी है वो मादा लग रही है। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, ये नर है या मादा है या नहीं। ये देखें, ये बड़े मज़े से बैठे हैं हमारी छत पर, ये हमारी पुरानी वाली मुर्गी इनको घूर घूर के देख रही है। ये थोड़ा शुरू में इसने गुस्सा दिखाया था, इनको मारा था चोंच से। ये देखें, इसके पीछे से थोड़े से पर भी हटा दिए इसने, देख सकते हैं आप पीछे, ये जो आगे ब्राउन वाला बैठा हुआ इसके पर थोड़े से हटे हुए हैं। इसने शुरू में जो है ना इसको मारा था, तो इसके पर भी थोड़े से तोड़ दिए थे, लेकिन अब ये इनसे थोड़ा रिलैक्स हो गई है। अभी इनके पास भी आ रही है और इनको देख भी रही है। अब इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में ये सेट हो जाएंगे, फिर हम आपको इनकी नई वीडियो भी इंशाल्लाह देंगे, नया ब्लॉग भी आएगा इंशाल्लाह हमारा, और इसके अलावा भी हम अपने सेटअप पे और भी परिंदों का
और भी माशाल्लाह मुर्गियाँ लेके आएंगे। ये असील मुर्गियाँ कहलाती हैं, जो हमारी वो जो मुर्गी है वो पता नहीं कौन सी है, लेकिन ये जो मुर्गियाँ हैं ना जो अभी हम लाए ये दो हैं ना, ये असील हैं, इनको असील कहते हैं जी। ये देखें, देख सकते हैं आप।